अजमेर के ऊपर उम्मीद है हमारे आज आसे थे, आज दो बार खुशकिस्मती से बचे थे, इस बार नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। आपका फेवरेट कौन सा बॉलर है जो आपको लग रहा है कि आज अच्छी बॉलिंग करेगा पाकिस्तान? नसीम शाह से? नहीं, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा, मैं खुद क्योंकि क्रिकेट खेलता हूं। ओके, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा। आप तो पाकिस्तान, पक्की बात। तो आज कोई उधर जाके उनको बोल देना कि भाई जीत जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम हार गए हैं, बहुत बुरा हारे हैं। ऐसी बात नहीं है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो एक दफ़ा फिर हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेके। जैसा कि आपको पता है एशिया कप चल रहा है दुबई में, और पाकिस्तान इंडिया का आज मैच है, जो कि लास्ट मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, जो कि पाकिस्तान हार गया था और इंडिया जीत गया था। ठीक है, तो चाहे आप पाकिस्तान से हैं चाहे आप इंडिया से, जीतेगा वही, जीतेगा वही जो मेहनत करेगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा क्राउड है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के सभी लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये पीछे मेरे लाइन लगी हुई है पूरी, जो कि अभी गेट ओपन होगा तो सीधे लोग अंदर जाएंगे। बस आपने भी क्या करना है, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना है, और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। तो चलें जल्दी से लोगों का हाल पूछते हैं, आज कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो आज कौन जीत रहा है? पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि इंडिया का कौन सा खिलाड़ी आउट होगा तो आप जीत सकते हैं? पहले 30 रन पे 3 आउट है आज। तो आपको क्या लगता है आपका कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो अच्छा चल गया तो इंडिया जीत सकता है? आज रोहित शर्मा, आज पक्का 50 से पहला मेरा, याद रख लीजिए 50 प्लस मारेगा आज रोहित। आपको किस पाकिस्तानी बॉलर से डर लग रहा है? किसी से भी नहीं है भाई, नहीं किसी भी नहीं है, सिर्फ अपना इंडिया के प्लेयर के ऊपर उम्मीद है हमारे। आज आसे थे, आज दो बार खुशकिस्मती से बचे थे, इस बार नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। हर बार खुशकिस्मती नहीं होती, ये तो खुशकिस्मती से जीते थे। कैसे अगर इनकी दो, अगर इनकी दो विकेट नहीं, हमारे कैच और वो विकेट नहीं ड्रॉप होती ना, ये कभी नहीं जीत सकते, यकीन मानो इनकी खुशकिस्मती थी। तो आज कौन जीत रहा है? पाकिस्तान। आपके ख्याल से कौन जीत रहा है भाई, कौन जीत रहा है बताओ? इंडिया, इंडिया, इंडिया। आप कहाँ से हो भाई? इंडिया से हो। तो आज कौन जीत रहा है? पक्का इंडिया जीतेगा। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा आपका बैट्समैन है या बॉलर है जो आपको जिताएगा? 100% विराट कोहली आज खेलेगा। विराट कोहली खेलेगा, अगर विराट कोहली ना खेला तो हार के इंडिया का पांचवे प्लेयर तक हर बैट्समैन खेलने। और बॉलर? बॉलर्स भी अच्छे हैं, सभी मानता हूँ पाकिस्तान में नसीम इज गुड, बट बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान इज गुड। पाकिस्तानी बैट्समैन बॉलर में से कौन सा अच्छा लगता है? आई थिंक नसीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है, उसने अच्छी की है, जैसे कि शाहीन अफरीदी ने लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो फैन जो पाकिस्तान और इंडिया के हैं, और आप आपस में क्या फ्रेंड हो क्या हो? मेरी वाइफ है। अच्छा, ये आपकी वाइफ है, मतलब पाकिस्तान से और इंडिया से झगड़ा चलते ही रहता है। तो आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? पाकिस्तान को? नहीं नहीं, पक्की बात है पाकिस्तान, मतलब इंडिया भाई, जहाँ पे वाइफ हो उसी को सपोर्ट किया जाता है। लगता है आपने मार खानी है घर जाके। बस गेम को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया या पाकिस्तान, मतलब कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। ठीक है, तो आप किसको सपोर्ट करें? आप तो पाकिस्तान, पक्की बात। तो आज कोई उधर जाके उनको बोल देना कि भाई जीत जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम हार गए हैं, बहुत बुरा हारे हैं। ऐसी बात नहीं है, बुरा नहीं हारे, बहुत अच्छा ने मुकाबला किया था, कुछ मिस्टेक थी जिसकी वजह से पाकिस्तान हार गया, अगर आज अच्छा खेलेगा तो जीतेगा। नहीं, उनका बेसिकली देखें, आपके पास बॉलिंग लाइनअप हमेशा से अच्छी रही है, चाहे वसीम वकार हो, चाहे आमिर आसिफ हो, या शाहनवाज धानी हो, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो इंजर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बॉलिंग आपने दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है मिडिल ऑर्डर का। मिडिल ऑर्डर नहीं है, मतलब बाबर के आर रिजवान गया तो पीछे कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो एज एन इंडियन मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर आप सही कर लेते हो तो मैच में कड़े के। आज लग रहा है आज आपको कि विराट कोहली सेंचुरी 50 करेगा कुछ? विराट कोहली देखिए रन बनाएगा, बट उसका रन इम्पैक्टफुल नहीं होता। एज एन इंडियन मैं चाहता हूं कि वो रन बनाए, बट क्विक रन बनाए, क्विक रन बनाए, उसका 50-100 से फायदा नहीं होता टीम। और पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिस लग रहा है कि आज वो अच्छा खेलेगा? फखर जमान। फखर जमान बड़े मैच का प्लेयर आपका वही है। अच्छा, बाबर आजम एंड फखर जमान। फखर जमान, रिजवान भी बहुत अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान का। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मैचेस। हां, बिग मैचेस, जैसे लाइक दो बड़े प्लेयर हैं आपके। एंड आई एम होपफुल कि शायद आसिफ अली एक दो छक्के मारेगा तो हमारे पास आएंगे। तो जैसे कि हुसदिल ने लास्ट मैच में, पाकिस्तान के मैच में लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे, सेम इंडिया की तरह, जैसे इंडिया में हांगकांग को लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे थे, तो क्या आपको लगता है कि हुसदिल भी आज कुछ करेगा अगर उसकी बारी आ गई तो? देखिए, हुसदिल टैलेंटेड है, कोई शक नहीं उसमें, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, बट इंडिया के अगेंस्ट आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि
प्रेशर होगा, प्रेशर प्रेशर एक चीज है, दूसरा बॉलिंग अटैक अलग है, बॉलिंग अटैक ऐसी बात। बंडिया के आई एम होपफुल कि आसिफ अली एक दो सिक्सेस मारेगा। चलिए, मतलब आप चाह रहे हैं कि आसिफ अली आज खेले, अच्छा गेम अच्छा होना चाहिए। ये भी फैंस हैं पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान से आए या दुबई में थे? हम दुबई में ही थे। तो आज जैसे पाकिस्तान की शर्ट पहनी है, फिर भी पूछूंगा किसको सपोर्ट कर रहे हो? पाकिस्तान को, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों से मैं पूछ रहा हूँ वो आगे से क्या कह रहे हैं, सोच में पड़ जाते हैं, क्या बताएं? हाँ, तो आज आपको क्या लग रहा है इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान हार जाएगा? जो अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान हार जाएगा। मतलब इंडिया का कोई ऐसा प्लेयर होगा ना जो अच्छा है? कोहली को फॉर्म में आ गए वापस से हांगकांग के खिलाफ, ओके फॉर्म में आ गया था। Okay. उसी से डर है, बाकी तो काफी सारे प्लेयर्स हैं जो या किसी वक्त भी जो है वो चल सकते हैं। और इंडिया का कोई बॉलर ऐसा जो आपको पता हो कि आज अटैक करेगा? कृष्णा कुमार ही अच्छा है। ओके और बैट्समैन सूर्य यादव को देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान किस पे उम्मीद लगा के आए हैं आज? बाबर आजम है। ओके, बाबर आजम तो दो मैच से नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, लेकिन हमें उससे फिर भी उम्मीद है, चल सकता है, पोटेंशियल है बहुत। ठीक है, और नसीम शाह ऑब्वियसली, तो उस पे सारी उम्मीदें हैं, नसीम शाह, और उसके बाद बाबर आजम, रिजवान है आपके पास, खुशदिल ने भी अच्छा खेला लास्ट मैच में, लेकिन हमारा मेन जो एंकर पर्सन है वो तो ऑब्वियसली बाबर आजम। तो आपका फेवरेट कौन सा बॉलर है जो आपको लग रहा है कि आज अच्छी बॉलिंग करेगा पाकिस्तान से? नसीम शाह से। सभी नसीम शाह को आज सपोर्ट करें, इंडिया वाले भी ये बोल रहे हैं कि हम नसीम शाह से डर रहे हैं आज। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें क्रिकेट। ये भी हमारे साथ हैं, आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं आज? इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान को या क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा, मैं खुद क्योंकि क्रिकेट खेलता हूं। ओके, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा, जो अच्छा खेलेंगे वही जीतेंगे। क्या बात है, आपकी बात ये बहुत पसंद आई मुझे। वैसे आपको क्या लग रहा है इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो अच्छा बैट करेगा तो अच्छे रन बन सकते हैं? आज मैं चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पंड्या अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम इंडिया को जीतने का चांस है। उधर बाबर आजम जो दो मैच में नहीं खेले हुए, अगर वो अच्छी तरह खेलेंगे तो पाकिस्तान को भी जीतने का बहुत चांस है। बाबर आजम के ऊपर पाकिस्तान की टीम बहुत ही निर्भर करेगी। और जैसा कि शाहीन अफरीदी को मिस कर दिया है उसकी इंजरी की वजह से, आप उसको मिस कर रहे हैं उसकी बॉलिंग को, लाइक आप एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक क्रिकेटर की हैसियत से किसी बॉलर का, तो आपको कैसा बॉलर लगता है वो? नहीं, शाहीन अफरीदी एज अ बॉलर इज फैंटास्टिक, वो उसने अपनी अपनी छोटी उम्र में नाम बना दिया है। ओके, बट अगर आप वो भी देख ले तो इस बार इंडिया के पास भी जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। जी बिल्कुल, तो दोनों टीमों में अगर वो कंपेयर करेंगे तो दोनों टीमों में बैलेंस टॉप बॉलर्स नहीं है। ठीक हो गया, तो ये मेरे हिसाब से ये क्रिकेट है, जो आपके पास रिसोर्सेस है, जो 11 प्लेयर अभी आपके पास है, हाँ, वो ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो टीम उसकी जीतेगी। चलें ठीक हो, बहुत शुक्रिया सर जी भाई, एंजॉय करें क्रिकेट को। कोई नहीं कोई नहीं, हमारे आज आज नसीम शाह के, नसीम शाह की बहुत धुलाई होने वाली आज, ये ध्यान में रखो। और केएल राहुल चलेगा आज, केएल राहुल लिख के लो, और हार्दिक पांड्या है ही अपने पास, तो विराट कोहली आज नहीं है, दिक्कत तो नहीं है जडेजा के? नहीं कोई नहीं, कोई विराट कोहली हाफ सेंचुरी के ऊपर मारेगा आज और पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छे से खेलेगा। तो ये भी फैन है हमारे पाकिस्तान के, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो ये भी पाकिस्तान से है, ये भी है, ये भी है। क्या आप सबसे पहले बताएं आए कहाँ से हैं? हम लोग अबूधाबी से, अबूधाबी से आए हैं इधर पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए। लास्ट मैच हारे हैं वो भी मिस्टेक की वजह से, इस दफा क्या लगता है? विन और लूज होता है गेम में, दो बॉल पे अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। तो आपको क्या लगता है आज कौन जीत रहा है? पाकिस्तान, पाकिस्तान जीतेगा। लास्ट टाइम वार्म अप मैच था, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत थी, तो ऑपोजिशन वर्ल्ड कप में भी हारा है, मैं देखने आया था 10 विकेट से हराया था, इंशाल्लाह आज फिर मारेंगे, तो इंशाल्लाह जीतेंगे। आपको कौन सा ऐसा इंडियन खिलाड़ी लग रहा है जिससे आपको लग रहा है कि वो अच्छा बैट खेल गया तो पाकिस्तान? पांड्या, पांड्या प्लस विराट बैक फॉर्म में आ गया, विराट फॉर्म में आ गया, विराट ऑब्वियसली है, नसीम शाह इंशाल्लाह ले जाएगा। पांड्या थोड़ा डिफिकल्ट है बॉलिंग बैटिंग में दोनों नहीं, तो अगर पाकिस्तान का कोई आपको लग रहा है कि अगर बाबर आजम आउट हो जाता है, रिजवान आउट हो जाता है, तो पीछे कोई टीम का बंदा है जिसपे आपको ट्रस्ट है वो खेलेगा? खुशदिल है, आसिफ अली, आसिफ अली को अभी चांस नहीं मिला, वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, इज अ बिग प्लेयर, बिग कैच प्लेयर, क्योंकि लास्ट टाइम खुशदिल ने अभी 4 छक्के मारे सेम इंडिया की तरह, ठीक है, तो पीएसएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, ठीक है, उसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया है, और सिर्फ रिजवान बाबर नहीं है, बाकी भी बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत माशाल्लाह बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह पहले ही बॉलिंग में ही मारेंगे। ये बताएं शाहीन, मुझे ये बताएं शाहीन टीम में नहीं है तो कैसा फील हो रहा है? नसीम, नसीम शाहीन, शाहीन जो ठीक है, लेकिन नसीम ने उसको रिप्लेस कर दिया, इंशाल्लाह शाहीन की कमी पूरी नहीं होगी, मतलब कि शाहीन की कमी आपको नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक हो गया। तो चलें एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया के फैंस उतारो भाई अपना मास्क, ये है हातिम और ये कौन है जानते हो इसको?
हुज़ैफ़ा, तो आप जब भी इंडिया को सपोर्ट करने आए, तो भाई आज किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंडिया। पक्की बात है? पक्की बात है। कौन सा ऐसा खिलाड़ी लग रहा है जो कि आज इंडिया का अच्छा खेलेगा तो आपको जिता सकता है? कोहली और पंड्या। तो अगर दोनों में से ना कोई खेला तो चांस खेलेंगे, दोनों के चांस है। और पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बॉलर है जिससे डर लग रहा है? किसी से भी डर नहीं रखा। पक्की बात है, लेकिन जीतेगा तो वही जो अच्छा खेलेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, जरूर कहना चाहेंगे। क्या क्या हमारे सपोर्टर है इंडिया के? ये बार भी जो हार्दिक पंड्या लास्ट टाइम जो बताया था, ये टाइम भी यही वो बताएंगे। और पाकिस्तान के किस बॉलर से डर लग रहा है? लगता है कि वो अच्छी बॉलिंग कर गया तो आपके लिए मसला बनेगा? नईम शाही वही है, जो नसीम शाह जो है, नसीम शाह वही जो हमको लगता है डेंजर है। चलें ठीक है, एंजॉय करें क्रिकेट। थैंक यू भाई। कैसे हो भाई? सर ठीक ठाक है, सब खैरियत है। कैसे हो बच्चे? हो ठीक ठाक हो? अपना नाम बताओ जल्दी से। मोहम्मद। कहाँ से हो? पाकिस्तान। तो किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? पाकिस्तान। पक्की बात है जीतेगा आज? हाँ। कौन सा बैट्समैन लग रहा है कि अच्छा खेलेगा आज? बाबर आजम। लास्ट दो मैच में तो खेला नहीं। और इंडिया का कौन सा ऐसा बैट्समैन या बॉलर है जिससे आपको डर लग रहा है कि वो अच्छा खेल गया तो पाकिस्तान हार जाए? विराट कोहली। सूर्या कुमार। विराट कोहली। कौन सा बोला आपने? सूर्या। और बॉलर कौन सा ऐसा जो लगता है कि वो अच्छी बॉलिंग कर गया? विश्ना। चलें थैंक यू सो मच सर, एंजॉय करें। तो ये कुछ फैन हमारे पाकिस्तान से हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आ गए। तो भाई आज किसको सपोर्ट करने आए हैं आप? पाकिस्तान। तो पक्की बात है जीतेगा पाकिस्तान? क्या लग रहा है कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इंडिया का अच्छा खेल गया तो पाकिस्तान को हरा देगा? पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो अच्छा खेल गया? सब आउट होंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। और कौन सा ऐसा बॉलर है जिससे आपको डर लग रहा है इंडिया से? हाँ नो। और कोई बॉलर नहीं है। नसीम शाह अच्छा खेलेगा आज? बिल्कुल। और बाबर आजम का क्या सोच रहे हैं उसका? प्लस करेगा। पक्की बात है, मतलब आज पाकिस्तान जीत के जाएगा इधर से। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंजॉय करें। तो सब इंडियंस इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी पाकिस्तान को, ठीक है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना। तो अभी जा रहे हैं हम अंदर मैच देखने। अंदर अलाउ नहीं होगा हमें वीडियो बनाना, क्योंकि अगर अंदर का कोई भी सीन हम वीडियो में डालेंगे तो हमारे चैनल को इशू बन सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।